पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है रोहतक में। दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे साथ हैं। दीपेंद्र जी कैसे देखते हैं 18 तारीख की क्या रणनीति बनाई, कुछ क्या प्लान रहेगा? देखिए आज हरियाणा की जो परिस्थिति है उसमें एक बात स्पष्ट है कि ये 5 साल की जो सरकार भाजपा की सरकार एक जन विरोधी सरकार रही है। हर वर्ग का नुकसान इन सरकार ने किया है, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे गरीब आदमी हो। ना किसान को भाव मिला इन 5 साल में, ना कर्मचारियों से किए गए जो वायदे थे पंजाब स्केल इत्यादि के वो पूरे किए गए। गरीब आदमियों की सारी योजनाएं, चाहे वो 100-100 गज के प्लॉट की योजना थी, मकान की योजना थी, मनरेगा की योजना थी, दाल रोटी की योजना थी, उन सबको बंद करने का काम इस सरकार ने किया। और व्यापारियों को तो इतनी आर्थिक मंदी आ गई प्रदेश में, आज 5 साल में एक भी कोई निवेश नहीं हुआ है, कोई फैक्ट्री नहीं लगी है, कोई इंडस्ट्री नहीं आई, ना कोई IMT स्थापित की, ना कोई औद्योगिक केंद्र स्थापित हुआ, जिसकी वजह से आज हमारा प्रदेश बेरोजगारी में देश में सबसे ऊपर 8.8% बेरोजगारी हमारे प्रदेश की पहुंच चुकी है। ये सरकार हर क्षेत्र में विफल रही। दूसरी तरफ अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए इन्होंने भाई को भाई से उलझाने का काम किया, जो राजनीतिक अधर्म में मानता हूँ। राजधर्म का पालन नहीं किया गया, प्रजा प्रजा में फ़र्क किया गया इस सरकार में। तो अब 5 वर्ष के इसके कार्यकाल के समापन के समय आया है कि जनता इनसे इनके कार्यकाल का हिसाब मांगे। कोई एक वायदा विकास का हो, किसी वर्ग से किया गया वायदा हो, मैं एक एक करके सारे गिनवा सकता हूँ। हुड्डा साहब ने भी जो बात की, एक वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा, एक किसी एक ज़िले में भी किया हो इनके 5 साल में बताएं। इस चुनाव में फैक्टर खट्टर सरकार की विफलता का रहेगा। लेकिन क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि जिस तरह से अगर कांग्रेस संगठित होती ये मैंने जैसे कहा कि आज हम सबका धन्यवाद करते हैं, जो लगभग सभी विधायक, 65 से ज़्यादा पूर्व विधायक, पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण, तमाम कार्यकर्तागण इस कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए हैं। वो एक संकेत है इस बात का कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, लगभग सभी नेता ये मन बना चुके हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में एक निर्णायक लड़ाई इस जन विरोधी खट्टर सरकार, भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए और उस लड़ाई में संघर्ष करने के लिए सभी तैयार हैं। ये थे दीपेंद्र हुड्डा, जिन्होंने कहा कि आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसके जरिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वो इसमें शामिल हुए हैं। और जो लोग नहीं आए हैं, नाम नहीं लिया दीपेंद्र हुड्डा ने, लेकिन इशारा था प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की तरफ, किरण चौधरी की तरफ, सुरजेवाला की तरफ, कि जो लोग नहीं आए हैं लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे थे, जो साफ इशारा करता है कि आने वाले समय में प्रदेश की जनता या कांग्रेस जो है, कांग्रेस के तमाम नेता ये चाहते हैं कि ये चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो है नेतृत्व में हरियाणा में लड़ा जाए, ताकि हरियाणा की राजनीति है उसमें परिवर्तन लाया जा सके। रोहतक से कैमरामैन सियाराम के साथ जयदीप राठी, R9 TV।